नींद आ जाती है, रात होता तो उठ जाती हो, जब मेरे सोने का टाइम होता है मैं नहीं ऐसे तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार सकता। हाँ अगर तुम्हें तो मेरी बहुत ज्यादा कमी महसूस है तो फिर आपकी करता पे है ये चूजों को इन्होंने बाहर रखा और कसम से यहाँ पर ना सामने से बिल्ली निकलती है तो एम इन बेचारे चूजों को खा लेना था किसी ने। ये तो शुक्र है मैं इंटरव्यू करने के बहाने आया और मैंने इनकी बचत करवा दी। जरे आप बेचारे देखो अभी यहाँ से बिल्ली निकलती होती है और पता नहीं अभी उसको पता है शायद डिनर का टाइम नहीं है, रात के टाइम अक्सर वो आई होती है यहाँ पर ना बिल्ली, तो उनको उसको ना ये चूजे बाहर आप लोगों ने क्यों रखे हुए हैं? चूजे अंदर रखो तो मैं नहीं पता बिल्ली आती खा जाएगी उनको। हाँ तो आप इसको अंदर लेके जाओ, चूजों को अंदर रखो, ऐवी बिल्ली है उसको खा पी जाए, उसकी तो भाई बिरयानी गोश्त चिकन का भाई उसकी तो मोजे लग जानी है। बेचारे दो मासूम मासूम चूजों का नुकसान हो जाना हमारी नज़र में। अच्छा जी वेलकम टू माई ब्रांड न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? चलो अब इसे चूजे नहीं पकड़े जा रहे, चूजे पकड़ो, हिम्मत करो हिम्मत करो। हाँ गुड 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 गुड, इसी तरह ही पहले एक को छोड़ के आओ फिर से दूसरे को छोड़ के आना। तो जिस जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चले जाओ चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो कर लो लाइक, बेल आइकन को भी जरूर दबा दो ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। अच्छा जी बात सिंपल और सादा सी है, अब मैंने सोच लिया है और मेरा फैसला मैंने बहुत कोशिश की है करने की, फैसला ये है कि अब हमने जरिया वाला कंटेंट कम दिखाया करना है, अब आपने इस बात पे बहुत ज़्यादा गौर करना है। यार इंसान की अपनी भी कोई ज़िंदगी है यार, कोई मनोरंजन कोई प्रैंक शरैंक दिखाएं आपको, कोई मज़ा मुज़ा है यार, क्या कहते हो क्या नहीं कहते, अब जल्दी कमेंट्स में बताना सब ने ठीक है, ताकि हम कोई इस पर अटल फैसला कोई कर सकें यार, क्योंकि मैं क्या बताऊँ आपको यार, आपको भाई का दिल करता है प्रैंक करने को फिर आपको ये चीज़ें दिखानी पड़ जाती हैं, तो भाई कन्फ्यूज रहता है कि क्या दिखाऊँ क्या ना दिखाऊँ। अब आप जो मेरी ऑडियंस को जो पसंद है हम तो वही दिखाएंगे, अब आपने नीचे कमेंट में बताना। अरे आप साहब पकड़ लो यार तुम खुद ही ले पकड़ो और पकड़ ले ढिले आदमियाँ फल। अच्छा जी अभी मुझे ही कैमरा बंद करके पकड़ना पड़ेगा, तो अभी देखते हैं कि फिर क्या करना है क्या नहीं करना। चूजे ने तो हमारी दौड़े लगवा दी हैं, चूजे ने तो हमारी दौड़े लगवा दी हैं, चूजे ने तो हमारी वही चूजा तो पकड़े नहीं जा रहा, वाकई जरा यार ये चीज़ तो पकड़ी ही नहीं जा रही। ले जी चूजा हमने पकड़ लिया, ये लो पकड़ो इसको अंदर आके आओ, इसको बंद करो। एक तो चूजे आ तुझे बचाया मैंने, तुझे बिल्ली खा जाती फिर तो सही रहता, जाओ रख के आओ अंदर अंदर रखो जल्दी जाओ जल्दी। ये क्या कर रहे हो? कार्टून ही देखता रहता, तुम्हारी सही हुई है खैर से, एदियां तो नींदें ही नहीं पूरियां होंदियां, तो हम जाके नमाज पढ़ लेते हैं। जी हमने नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़नी जो कि बहुत ज़रूरी है और आप भी पढ़ा करें। अच्छा जी नमाज नमाज पढ़ के हम वेले हो गए हैं, क्या बना मान गया खाने को? खाना अच्छा जी ये मेरा सालन है और ये रोटी है, और कितना टाइम है? बस ये रोटी सेकते हैं। बस रोटी जल्दी सेक लो, और वो दूध नहीं ना देख गया अभी तक? अच्छा जी तो हम रोटी खाते हैं, और माही अभी तक नहीं उठी और भूख मुझे बहुत ज़्यादा लगी थी, जो कि मैंने इसको कह दिया था कि मेरी रोटी दस्ती तैयार कर लो। ये सोई पड़ी उठी है, और इस औरत ने उठते साथ ही ये हाथ में ये इतना बड़ा इसने शेवर रेजर पकड़ा हुआ है कि मेरी धोन उतार दो।
ਧੌਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਾਲ ਲਾ ਦੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਐ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਾਲ ਲਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ। ਕੌਣ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ? ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਲਾਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮਰਦ ਭਾਈ ਮੇਲ। ਹਾਂ ਤੋ ਤੋ ਕਿਆ ਮਤਲਬ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਫਾਤ ਲਗਾਣਾ, ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਬੀਵੀ ਹੂੰ ਆਪ ਕੀ। ਬੀਵੀ ਹੂੰ ਆਪ ਕੀ ਫੋਟੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਟਕ ਟੁਕ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗਲੇ ਮੇਂ ਡਰੈਕ ਗਿਆ ਪੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਕੋ ਵੀ ਟਕ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਬਾਅਦ। ਬਾਤ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੈਸੇ ਬੜੀਆਂ ਲਗਾਣੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਛੇਤੀ ਜਾ ਫਿਰ ਕਰ ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਨਹਾਉਣਾ ਧੋਣਾ, ਬਸ ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਨੀਂਦਰਾਂ ਨੀ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੁਛ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੋਲਿਸ਼ਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਪਾਉਆਂ ਤੇ। ਕਿੱਧਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪੋਲਿਸ਼ਰ? ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਲੋਗ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਨਹਾ ਲਿਆ ਜੇ। ਯੇ ਤੁਮ ਕੌਨ ਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਤੀ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਬਤਾਓ ਮੁਝੇ। ਬਸ ਖਰਾਬ ਵੀ ਚਾਹੀਏ। ਹੈ ਜੇ ਹਮਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬਾਵਲਪੁਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਾਇਕੀ ਸਰਗੋਦਾ। ਸਰਗੋਦੇ ਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ? ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਕੋਲ? ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਗੋਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਚੱਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਅੱਛਾ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੋ ਆਪਣੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਸੂ? ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਅਨੋਖਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵਾਂ। ਅਨੋਖਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਸਰਾਇਕੀ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਵਹਿੰਦੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਸੂ? ਮਤਲਬ ਉਰਦੂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਫੱਦੋ ਮਤਲਬ ਪਕੜੋ, ਫਰੀਚੇ ਆ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ ਫੱਦੋ। ਅੱਛਾ ਇਨਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਵੋ ਸਰਾਇਕੀਓ ਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਲੱਗਾ ਇਨਕੀ ਵੀ ਵੋ ਸਰਾਇਕੀਓ ਵਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਮੰਦਾ ਬਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਜੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਾਇਕੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਔਰ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ, ਖੁੜਾਪਾਤੀ ਦਿਮਾਗ ਮੈਂ ਖੁੜਾਪਾਤੀ ਆਈਡੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਅਬ ਹਮਨੇ ਹੋਰਰ ਵੀਡੀਓ ਕੰਮ ਬਣਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਸਾ ਬੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਥਾ। ਮਾਹੀ ਕੇ ਪ੍ਰੈਂਕਸ ਔਰ ਮਾਹੀ ਕੇ ਸੌਤ ਹੈਂਕੀ ਪੈਂਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਗਲ ਮੁਗਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਹੋਰਰ ਪ੍ਰੈਂਕ ਵੀ ਹੋਰਰ ਵੀ ਕੋਂਟੈਂਟ ਡਾਲੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਜਿਹਦਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕੰਮ ਦਿਖਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਲੋਕ ਨਾ ਬੋਰ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਸੇ। ਅੱਛਾ ਤੋ ਅਬ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਮੇਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਕਮੈਂਟਸ ਮੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀਆ ਥਾ ਕਿ ਆਪ ਮਾਹੀ ਕੇ ਸਾਥ ਕਰੇ ਅਫੇਅਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਂਕ, ਮਤਲਬ ਅਫੇਅਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਂਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਹੀ ਕੋ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮਾਹੀ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਕੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਬ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੂੰ, ਅਗਰ ਤੋ ਤੁਮ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਮਤਲਬ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਤੀ ਹੋ ਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੂੰ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੀ ਤੋ ਮੈਂ ਤੁਮੇ ਛੋੜ ਦੂੰਗਾ, ਟੈਚੀ ਹਮ ਪੈਕ ਕਰੇਂਗੇ, ਰਿਆਨਾ ਕੋ ਹਮ ਇਸ ਖੇਲ ਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਅਭੀ ਰਿਆਨਾ ਕੋ ਬੁਲਾਤੇ ਹੈਂ, ਰਿਆਨਾ ਰਿਆਨਾ ਇੱਧਰ ਆਓ ਜ਼ਰਾ, ਤੁਮੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਬਾਜੀ ਸੋ ਰਹੀ ਹੈ? 100% ਸੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ 100% ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਲੁੱਕ ਲੁੱਕ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਉਸਕੋ ਜਹਾਂ ਪੇ ਪਤਾ ਚਲਾ ਉਸਕੋ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਂਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ,
मैंने उसका प्रैंक करना है, तुम इस चीज़ में शामिल हो कि मैं एक और लड़की को पसंद करता हूँ और अगर तुम उसके साथ एडजस्टमेंट कर सकती हो तो मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ, अगर नहीं कर सकती तो मेरा अटैची तैयार और मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो वो पूछेगी ये अटैची क्या, मैं कहूँगा ये मेरे कपड़ों का अटैची है, तुमने भी कहना हाँ जी बात नहीं, तुम तो बल्कि होगी नहीं, ठीक है, मैं कहूँगा हाँ जी मेरे कपड़ों का अटैची और मैं जा रहा हूँ, तो अभी फिर हम कैमरा शैमरा तो मैं पकड़ाता हूँ, ये कैमरा मेरे हाथ में होगा, टैची ये लो टैची निकालो, सच मेरी याद आ गया, जल्दी टैची निकालो, टैची अभी निकलता है, मज़ा आएगा, टैची भी हमारा आ गया है और एक टैची का बच्चा भी आ गया जो कि हीरा ने पकड़ा है, तो दोनों टैची की जेपें बंद करो ताकि अगर वो अभी मतलब कोशिश करे खोलने की भी तो जेप बंद हो। हाँ जी भाई साहब मज़ा आएगा, ये अब बात तेरा चल रहा है, तू कुछ हो रही है, ये चल मैं तुम्हें फ़ोन पकड़ा देता हूँ जो कि तुमने वो फ़ोन पकड़ के रखना है, ठीक है, बैग शेक हमने सेट कर लिए हैं और रैना को भी हमने सेट कर दिया जो कि आप देख सकते हैं, रैना मैं पता ना लगे मैं तेनों कह रही रियल प्रैंक करना वो देना, तो अभी वो आती है साथ में अपना फ़ोन का कॉल लूँगा और रैना ने भी वहाँ से वीडियो स्टार्ट किया अभी कि नहीं, अभी नहीं की, बस जब मैं कहूँगा तब करना स्टार्ट। अब रैना का मैंने कैमरा इधर सेट करवाया क्योंकि उधर ना बड़ा मसला हो रहा था, फ्रेम ही नहीं आ रहा था, तो अब माही आती है तो फिर हमने जो उनसे फरजाना चाह मेरी रखी ले आके थे, चाय बाती नहाने के लिए गए हैं, तो चाय वो दी पहले रख दी ले आके, वो मुझे कह के गए थे इतनी देरी आए नहीं उनका पता नहीं कौन है, पास पूरे खाना किधर है, कदों भी पता मार रही है, फिर टावल दे दे राजी, क्या ले राजी लाइक कर दूं, हां जी ओके कर दूं, कोको बोले उधर 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 चलते चाय गिर जाएगी, सामने बैठ जाए आप सामने बैठ जाए, आप सामने बैठ जाओ मेरा बच्चा, आ जाओ तुम्हारे शनान खत्म हो जाएंगे इधर, क्या हुआ क्या बैग है और क्या है, क्यों जा रही हूँ मैं घर जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, नो बैठो तो मैं बताता हूँ, क्या हुआ कुछ भी नहीं हुआ, ये है कि चक्कर चल रहा है मेरा एक लड़की के साथ, शादी करनी है उसके साथ मैंने, सही क्या तुम नहीं जानते उसको, बताओगे तो जानूंगी ना, वो मेरी मशहूर है बहुत ही ज्यादा, क्योंकि तुम्हारा सोना तो खत्म होता नहीं दिन रात, तुम सिर्फ सोती रहती हो और ऐसा मैं तुम्हारे से गुजारा नहीं कर सकता, तो ये क्या है कैमरा क्यों खोला, कैमरा तो मैंने वैसे ही खोला हुआ है, तो ऐसी बात सबके सामने कौन करता है, तो वैसे ही मैंने अब हम मेरी रोजी रोटी है बोलो तो ना खोला करो, रोजी रोटी में तुम ये अपनी पर्सनल करतूत भी बताओगे, पर्सनल करतूत तो बताऊंगा, क्या बदतमीजी है, नहीं कई बात नहीं कर रही, ये लो यार बोलो बंद कर दिया, अब बताओ क्या है, बता तो दिया तुम्हें, क्या होता है कि यार मैं मैंने अटैची अपना इस वजह से पैक किया, मैंने कहा अगर तो तुम मानती हो एडजस्ट कर सकती हो उस लड़की के साथ तो ठीक है, मैं नहीं जाता, अगर तुम नहीं एडजस्ट कर सकते तो फिर मैं चला जाऊंगा, क्योंकि तुम डेली सोई रहती हो, मतलब तो मैं दिन कौन सा है जाग, दिन जो तुम्हें किसी और से प्यार हो, हाँ हो गया बात ये है, इस टाइम दोगले की नहीं हो रही बात है कि भाई तुम अच्छा रहन गुजर नहीं हो सकता, उसके पीछे वजह ये है कि जिस टाइम मैं सोता हूँ उस टाइम तुम उठती हो, जिस टाइम मैं उठता हूँ तुम उस टाइम सोती हो, तो भाई कैसे भी गुजारा करे, अब तुम जोन से उठी हो, अब मैं सोने वाली हूँ तो तुम नहीं सोते कभी, अब तुम उठ गई हो, अब मेरे सोने का टाइम हो गया, मैं पागल तू ना सो, मैं चलना वा भाई, मैंने नहीं तुम्हारे साथ मेरा तो दिमाग ना खराब करो, क्या मतलब मैं ऐसे नहीं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार सकता भाई, जो साफ सीधी सी बात है, नहीं मजाक है कोई जिंदगी मजाक, तो तुम अपनी आदतें चेंज कर लो भाई, हमेशा तो ऐसा नहीं होता, हमेशा तो ऐसा नहीं होता, दिन चढ़ता तुम्हारे नींद आ जाती है, रात होता तुम उठ जाती हो, जब मेरे सोने का टाइम होता है मैं नहीं ऐसे तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार सकता, हाँ अगर तुम्हें मेरी बहुत ज्यादा कमी महसूस है तो फिर मैं नहीं, मैंने मैं उस लड़की से शादी कर दी, वो मेरी बहुत अच्छी जान है,
तुम्हारे साथ भी रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैंने उसके साथ भी रख। तो मैं तुम्हें बताया कि मैं ऐसे नहीं रखूँ, तो फिर मैं आप कुछ नहीं कर सकता। अगर नहीं रखनी तो मैं जान रहा हूँ, इसलिए मैंने अपना सामान रखी। तुम नहीं जानती इसको, मुझे हर्ट हो रहा है। तुम होने तो हर्ट, मैंने भी भाई अपने आप को बहुत हर्ट कर लिया तुम्हारे पीछे लग। मैंने क्या किया है? अजीब तुमने रूटीन रखी है ना, मेरी सही बोलो की हो रही है। वैसे भी यार मेरा उसने दे दिया, अब मैं उसके सब लॉगिन करूंगा तुम्हारे साथ। क्या हुआ? मक्खी जो चम्मच के क्या? ओए वाकई रो रही है। अच्छा तो मैंने इसको डुला दिया यार। अच्छा तो यार मैं तो वैसे मजाक करता था, एक प्रैंक करता। ऐसे मेरे साथ ना क्या करो, घटिया मजाक। अच्छा इसमें रोने की क्या जरूरत है? वैसे मैं थोड़ी बर्दाश्त करूंगी ऐसे तुमको। अच्छा यार क्या हो गया, इसमें रोने की क्या जरूरत है? क्यों शोर कर रही है? प्रैंक कुछ ज्यादा ही रियल हो गया, माही के साथ बेचारी रो ही पड़ी है। थोड़े आना कैमरा एंगल हमारा सही था, हमने सही बस रखा था। रेहाना ने भाई भरपूर मदद की है ऐसे दरवाजे के पीछे लग के, तो बड़ा अच्छा हो गया प्रैंक। यार वो कितना टाइम रह गया यार, भूख लगी है, वो भी खिलौती है, इतनी भूख लगी पड़ी है मुझे यार। जनाब की करता पे है जनाब, इन्हें वरना काट रही। जनाब ये क्या मार दिया पे अपने आप नु, चोट लग जाएगी। चले तुम इधर आ, ये क्या कर रही हो दरियाब? ये क्या तरीका है? तुम किसी ना किसी आ रही लगाया होता है हमें। चल लमा बे, लाइट बंद कर। की करदा पिया सी? की करदा पिया सी? ये जो सोया हुआ था गहरी नींद में, चंगा भला जरा भी क्या कर रहे थे तुम? क्या खुद ही किया? मैं नींद में था। तुम तो उठे हुए हो अभी। मैं नींद में था। ये नींद में कर रहे थे? नींद में ये कौन करता? तेरा दिमाग सही है? तू तो टकरा मारे ऐसे पर्दे के अंदर। रेहाना इन्होंने सो, इसलिए हम जो उनसे आया, मतलब अभी जब हम सोते हैं, हम तो वैसे लेट ही सोते हैं, तो जब भी हम सोए ना फिर पार्सल उतार लेते हैं। ये तो बड़ी देर का सो गया था। नहीं क्यूब्स क्या करनी है, क्यूब्स रहने दो, जब राइड की हुई है रहने दो। राइड क्या हमने क्या करना है? 170 रुपए पैसे भी दे रही है तो उसको बुला के मैं क्यूब्स ही मंगवा लेती हूं। और कौन से पैसे दे दे? क्या है कि बेईमानी ना करो। नहीं मतलब पास था कि दूर था? पास नहीं था, 10 मिनट से वो पंप पे आया चल के, मतलब चलो फिर दे दो। मैंने कहा मंगवा ही लेती हूँ फिर उससे, राइड के फजूल देने। अच्छा जी नहीं, कनौर चिकन क्यूब्स मंगवाए थे। अच्छा ब्रदर आप ऊपर फेंक दें, मैं आपको ऑनलाइन सेंड करता हूँ पैसे। फेंक दें आप, एक एक करके भेज दो है? चलो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ पैसे। अल्लाह फरजाना,
चिकन कनौर, इसकी कोई प्रमोशन नहीं है या किसी ने हमें कोई पैसा नहीं दिया है, ये है उसने खाने में डालना है इसलिए मंगवाए बस। अच्छा हमें देखते ही देखते हो गई है सुबह फजर, तो मैं पढ़ रहा हूँ फजर की नमाज। ये पहले हम वजू शुरू कर लें, फिर हमने फजर की नमाज पढ़नी है, फिर हम व्लॉग का दी एंड कर लेंगे। अभी पिज़्ज़ा भी मैंने ऑर्डर किया है, तो फिर खा पी के तो नमाज यार सब पढ़ा करें, नमाज से ही सब कुछ है, नमाज पढ़ेंगे सब कुछ मिलेगा, तो नमाज लाजमी हर बंदा फॉलो किया करें, नमाज लाजमी पढ़ा करें। अच्छा जी पिज़्ज़ा आ गया हमारा, जो कि अभी हम खाने लगे हैं। अच्छा इसी के चक्कर में ब्लॉग का दी एंड, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो कर लें लाइक, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपके तक पहुंच जाए। दो कंटेंट हैं बीच में इस व्लॉग में, अब आपने आगे कमेंट्स में बताना है ऐसे ही व्लॉग देखना है या खाली हॉरर देखना है या खाली फनी देखना, क्योंकि मैं दोनों तरफा आवाम का ख्याल रखा है इसमें, ठीक है। उमर सांधु को बिग शाउट आउट है मेरी तरफ से, इस बंदे के चैनल पर फौरन जाएं सब्सक्राइब करें, डन डन, हर बंदे ने इसको सब्सक्राइब करके डन करना है, ऐसे किसी ने डन लिखा उसको तो कभी ज़िंदगी में शाउट आउट नहीं मिलेगा। और मैंने उमर सांधु से पूछना है बकायदा कि तुम्हें कितने सब्सक्राइबर आए, जिन्होंने डन लिखा उन्हीं में से ही मैं डिसाइड करके शाउट आउट दूंगा, तो फौरन जाएं इसके चैनल को सब्सक्राइब करके डन डन के मैसेज करें, जिसके द्वारा डन डन हो गए उसी को सब्सक्राइब करूँगा, उसी को शाउट आउट दूँगा। तो अल्लाह हाफिज़।